बेसियन के साथ ही सड़क सुरक्षा इस कार्यक्रम में मैं भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर एक बार साथी भाइयों के सवाल को लेकर आपके सामने आई है। हमारे साथ है मार्गदर्शक प्रहलाद सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने वन एन एच बेसियन के द्वारा साथी भाइयों के बचाव के लिए क्या क्या दिया है? साथी भाइयों के बचाव के लिए हम लोग ये सोचते हैं साथी भाइयों को अच्छे ढाबे पर रुकने का, जहां उनको अच्छा खाना मिले, उनकी हेल्थ चेकअप अच्छी होनी, हर क्वार्टर उनकी हेल्थ चेकअप होनी चाहिए, क्वार्टर नहीं तो हाफ ईयरली, ईयरली तो 100% उनकी चेकअप होनी चाहिए, और उनको कोई भी टेंशन न आए उसके लिए उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, उनको हेल्दी फूड मिलना चाहिए, इस तरह की सब जो चीजें हैं, और उसके लिए ढाबे भी जो अच्छे ढाबे हैं जहाँ खाना अच्छा मिलता है उनके बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। हम जो हमारी वर्क करने वाली टीम है उनको बोलेंगे आप रोड पे जाओ ढूंढो, सब साथी भाइयों को ये मैसेज दो इन ढाबों पे आपको खाना अच्छा, तो ये सब चीजें अच्छी मिलेगी, और जहां जहां हमारे ऑफिस है वहां वहां उनकी हेल्थ चेकअप का हम काम करवाएंगे। आपकी कार्य करने वाली समिति व सलाहकार समिति ने साथी भाइयों के लिए कोई नई योजना या नया विचार किया है क्या? साथी भाइयों के लिए नया विचार ये किया है कि मिनिमम वेज उनका इतना अच्छा होना चाहिए जिससे उनको ये लगे कि भाई हम अपना परिवार इसमें इस पर में चला सकते हैं, और उनकी जैसे जरूरतें हैं, जैसे मान लो उनके बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, तो उनको किस तरह उन बच्चों को सरकार की तरफ से हेल्प दिलवाई जाए, खुद हेल्प दी जाए, या उनको बिल्कुल नॉमिनल पैसा दिलवाया जाए जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा सब कुछ दे सके। आपके विचार से साथी कैसे बने व अपने बच्चों को कैसे सलाह दें जिससे वो और उनका परिवार देश के अच्छे नागरिक कहलाए? ये मैं मेरे 61 ईयर मेरे को काम करते हो गए उसके अनुभव से बोलता हूँ कि साथी का जो हम शोषण करते आए हैं या साथी की सैलरी मेरे हिसाब से मिनिमम 30 से लेके 50 के बीच में होनी चाहिए, 30 से नीचे तो उनकी सैलरी किसी भी, क्योंकि उसका 8-10 हजार रुपया तो खाने में और में जब वो गाड़ी चलाता है तो निकल जाता है, 20 हजार ही उसके परिवार को पहुंचता है, अगर उससे ज्यादा मिलता है तो उसके परिवार को पहुंचता है, और एक हमारे को उनको साल में 15 दिन से महीने की छुट्टी देनी चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार के बारे में, परिवार के और कुछ अच्छे कामों के बारे में सोच सके। सर क्या कोई ऐसा विचार व ऐसी सोच है जो साथी भाइयों को अपने आप पर अभिमान हो सके कि हम भी भारतीय होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? उसके लिए मैंने 1990 से लेके 1995 तक मैंने साथी भाइयों को मोटर मालिक बनाने की कोशिश की थी, वो अभियान फिर भी चालू किया जा सकता है, उसमें उस वक्त मैंने 50 से 100 मोटर मालिक बनाए थे, और उसमें एक साथी भाई तो इतना होशियार निकला कि उसने मेरे से एक गाड़ी ली थी, आज वो 50 गाड़ी का मालिक है और मेरा कंप्यूटर बन गया है। तो इस तरह के भी अगर ब्रिलियंट काम करने वाले साथी भाई हो तो वो इतना करेगा तो उसको अपने बच्चे को साथी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि साथी जब तक आदमी नहीं बनेगा तो उसको यही नहीं पता होगा कि मैं भी इस धंधे में कौन साथी कैसे क्या कलाकारी करता है, तो जब तक अपने फैमिली के एक या दो आदमी नहीं होंगे तो वो इस बिजनेस को सक्सेसफुली नहीं चला सकता। क्या आपने व हमने मिलकर साथी भाइयों को व आम जनता को जो संदेश देने की कोशिश की जिसमें आपको सच्चे व साथी भाइयों के लिए कोई अच्छा विचार व नई योजनाएं हो? नई योजना में तो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है और मैंने मेरी हमारी जो एडवाइजरी कमेटी उनसे भी चर्चा की थी, उन्होंने भी ये सुझाव दिया है कि साथी को उनको क्या क्या तकलीफें हैं उनकी तकलीफें जाननी चाहिए, उनकी तकलीफें सरकार को पहुंचानी चाहिए, और क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एक अच्छा फंक्शन करना चाहिए जिसमें उससे लगते सरकारी ऑफिसरों को बुलाना चाहिए, उनको उनकी तकलीफें बतानी चाहिए जिससे कि साथी को लगे कि भाई हमारा महत्व भी, हमको भी महत्व दिया जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, और जो मेरी सोच है कि साथी को फौजी से बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि फौजी तो जब वार होती है तब उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो ध्यान रखता है ये सब करता है, पर साथी तो
हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जिसकी काम को डेली जरूरत पड़ती है, रोज जरूरत पड़ती है, उसके बगैर तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो हमको सारथी, फौजी से ज्यादा सारथी की जरूरत है, उसी बारे में हमको सारथी के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर एक बार सारथी भाइयों के सवाल लेकर हम आपके सामने समक्ष होंगे। देखते रहिए NBC News। नमस्कार।